केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का आखिरी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया बॉन्ड एनर्जी। सेकेंड टॉपिक भी हमने पढ़ लिया बॉन्ड लेंथ। अभी हम तीसरा टॉपिक शुरू करते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। फिर इसके बाद फोर्थ जो टॉपिक होगा आयनिक करेक्टर, फिर डायपोल मोमेंट और चैप्टर का आखिरी टॉपिक है इफेक्ट्स। Effects of bonding on chemical and physical properties। तो अभी जो टॉपिक हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। एक सौ अठारह एलिमेंट्स में जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है एंड सो ऑन। हर एलिमेंट में एक पावर होता है, उस पावर की वजह से वो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उस एटम पे उस पावर को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब इसको हम डिफाइन करेंगे द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एटम एक पावर होता है, उस पावर बेसिस पे वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जिस तरह ये पावर लिनस पॉलिंग ने दिया हर एलिमेंट को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जो ये पावर है लिनस पॉलिंग ने हर एटम को दिया है। जिस तरह हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.20, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.45, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.04 और ये 2.55 है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.44, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.98, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो पावर है वो 3 है, ब्रोमीन 2.96 और आयोडीन 2.56 है। तो ये चंद एलिमेंट्स का पावर मैंने बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, एक एक म्यूचुअल शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड है। अब यहां पे जो है इसका पावर कितना है 2.20 है, इसका पावर 2.20 है। तो जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेंटर पे हैं, हाइड्रोजन अपने पावर की वजह से भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और दूसरा हाइड्रोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो दोनों का पावर बैलेंस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन कहां पे जाते हैं सेंटर पे जाते हैं। अब अगर यही हाइड्रोजन किसके साथ आ जाता है कार्बन के साथ आ जाता है, अब कार्बन इसका जो पावर है 2.20 है और कार्बन का 2.55 है, अब कार्बन का पावर ज्यादा है तो जिसका पावर ज्यादा है ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसके नजदीक आ जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो क्लाउड होता है इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है वो कार्बन के नजदीक आ जाता है। इसके बाद कार्बन हाइड्रोजन किसके साथ नाइट्रोजन के साथ, अब हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.20 है और नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.04 है। तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नाइट्रोजन का जो पावर है वो ज्यादा है, ये दो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, इस पावर को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन चले गए उस पर पार्शियल नेगेटिव
और जिसे दो इलेक्ट्रॉन चले गए उसपे पार्शियल पॉजिटिव, यानी यहाँ पे क्या चीज डेवलप हो गया, पोलरिटी डेवलप हुई है। इस पोलरिटी को हम क्या कहते हैं, यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, आयनिक करेक्टर। अब ऐसा ऐसा यहाँ पे आयनिक करेक्टर डेवलप हो रहा है। अगर यही हाइड्रोजन किसके साथ आ जाता है, हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ आ जाता है तो यहाँ पे हम मानो इसका पावर कितना है 3. हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो पावर होता है 3.44, हाइड्रोजन का 2.20 है। तो ऑक्सीजन का जो पावर है, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है, तो जो बॉन्ड पेयर है ये ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है क्योंकि इसका पावर ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड किसके नज़दीक आ जाता है, ऑक्सीजन के करीब। तो यहाँ पे भी ये पोलराइज हो जाता है, पोलरिटी डेवलप हो जाती है, आयनिक करेक्टर डेवलप हो जाता है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। और इस तरह एच जो है एफ के साथ आ जाता है, एच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.20 है और फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज 3.98। सबसे ज़्यादा पावर पीरियडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स में सबसे पावरफुल जो एलिमेंट है वो फ्लोरीन है। इसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, 3.98 है। तो जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड पेयर हैं अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे भी आयनिक करेक्टर डेवलप हो जाता है या पोलरिटी डेवलप हो जाती है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या जिसका पावर ज़्यादा है वहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हर एटम में एक पावर होता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन पेयर को या कोवलेंट पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। उस पावर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थैंक यू।